الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हम तो मिट जाएंगे अर्ज वतन लेकिन हम तो मिट जाएंगे अर्ज वतन लेकिन तुमको जिंदा रहना है क्यामत की सैर होने तक। जनाब सदर मौजूद उस्ताद इकराम और मेरे प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बख्श है, मैं नौवीं क्लास में पढ़ता हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है करारदाद पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान को तारीख बरसगीर में नहीं बल्कि तारीख आलम में भी संगी मील हासिल है। ये वाद करारदाद है जो 6 करोड़ मुसलमान हिंद की और आजादी और बस एक आजाद मुल्क के क्याम का बायस बनी। जनाब सदर 1945 और 1946 के वोटों में मुस्लिम लीग को तारीखी अक्सरियत हासिल है जो आजादी की खुशी में अपना सब कुछ छोड़कर अपने सरजमीन पर आ गए। खुदा करे मेरे अर्ज पाक पर उतरे वो फजल गुल जिसे अंदेजा जवाल ना हो। जनाब सदर आज जिस जगह इस याद के लिए मीनार पाकिस्तान कायम है, मीनार पाकिस्तान कायम हुआ तो कुछ लोगों के साथ साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सोचा कि जंग की सद्दा खत्म हो चुकी है और हर तरफ इस्लाम का बोल बोला जा रहा था और हर तरफ एक ही आवाज बुलंद थी कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन जनाब सर हम एक दूसरे के लिए मर नहीं रहे बल्कि एक दूसरे को मार रहे हैं। मरने वाले भी हम हैं, लड़ने वाले भी हम हैं, लड़ाने वाले भी हम हैं, लोग भी हमारे हैं, लाशें भी हमारे हैं, हम खुद तमाशाई हैं। जहां जनाब सदर हाँ हम खुद तमाशाई हैं। जनाब सदर आज हमारे घर में स्टार प्लस तो चलता है लेकिन मोहब्बत व खलूस नहीं। मीनार पाकिस्तान तो वही है लेकिन मीनार पाकिस्तान पर चली मिट्टी ये बता रही है कि जो लोग अपना माजी भूल जाते हैं तारीख उन्हें भूल जाती है। जनाब सदर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूंगा। अब कर्ज हम पर इस मिट्टी का, इस मंजर का, इस धरती का, अब कर्ज हम पर इस मिट्टी का, इस मंजर का, इस धरती का। तकरीर करें तदबीर करें आओ वतन तामीर करें। शुक्रिया।